गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ में जो आपका सप्लीमेंट्री जो किताब है उसके अंतर्गत गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर, जो पहला लेसन है आपका गांधी जी एंड ए कॉफ़ी ड्रिंकर, उसकी जो है आज कुछ लाइंस ये जो बोर्ड पर लिखी हुई हैं उसका स्टडी करेंगे और देखेंगे। बाकी जो आपको कंटिन्यूसली स्टेंजा वाइज सप्लीमेंट्री का जो पहला लेसन है वो पढ़ाया जा रहा है, तो विद्यार्थी पिछले वीडियोस भी ध्यान से देखते रहें। तो आइए देखते हैं आज की लाइंस। लिखा हुआ है ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी। ही पाइंड, वो पाइंड मीन्स होता है तरसना, वो तरस रहा था फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी। फॉर ए कप ऑफ, एक प्याला अच्छी कॉफ़ी के लिए। तो वो लड़का या वह अच्छी कॉफ़ी, एक प्याला अच्छी कॉफ़ी के लिए, पाइंड मीन्स तरस रहा था। वन डे ही वाज एक दिन, He was lying on his back, वो अपने पीठ के बल लेटा था, dreaming of it, और वो यही स्वप्न देख रहा था। ये back dreaming of it, और इसके विषय में ही स्वप्न देख रहा था। When he heard, तभी उसने सुनी the वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी। तभी उसने गांधी जी के वुडन सैंडल्स, मीन्स होता है लकड़ी की, जो जिनको खड़ाऊँ बोलते थे, जो पहले ऋषि मुनि पहनते थे, चप्पल टाइप की नहीं होती थी, तो वो लकड़ी की बनी होती थी उसी, और गांधी जी भी क्या करते थे, वुडन सैंडल्स ही पहनते थे। वुडन सैंडल्स मीन्स खड़ाऊँ जिनको बोला जाता है। तो लिखा हुआ है लाइंग ऑन हिज बैक, वो अपने पीठ के बल लेटा था, ड्रीमिंग ऑफ इट, और इसके विषय में स्वप्न देख रहा था। व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी, तभी उसने सुनी द वेलकम साउंड ऑफ गांधी जी, गांधी जी के खड़ाऊओं की आवाज़, तो गांधी जी के खड़ाऊओं की आवाज़ सुनी, गांधी जी के खड़ाऊओं की आवाज़ सुनी। ए मिनट लेटर, एक मिनट के बाद गांधी जी एंटर्ड विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल एंड चीयरिंग वर्ड। एक मिनट के बाद गांधी जी एंटर्ड, गांधी जी ने प्रवेश किया विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल, अपनी कभी ना असफल या कभी ना समाप्त होने वाली मुस्कुराहट के साथ, एंड चीयरिंग वर्ड, और अपने खुशनुमा शब्दों के साथ या अपने आनंददायक शब्दों के साथ। तो एक मिनट के बाद गांधी जी ने अपने कभी ना समाप्त होने वाली मुस्कान और खुशनुमा शब्दों के साथ प्रवेश किया। ही लुक्ड एट द लैड, ही लुक्ड, उन्होंने देखा एट द लैड, लड़के की ओर। ही लुक्ड एट द लैड, उन्होंने लड़के की ओर देखा, एंड सेड, और कहा नाउ यू आर डेसिडली बेटर। नाउ, अब यू आर, तुम हो, डेसिडली माने निश्चित रूप से, बेटर माने अच्छे, तो अब तुम निश्चित रूप से अच्छे हो रहे हो। यू मस्ट रिकवर्ड योर एपेटाइट, यू मस्ट, तुमको चाहिए रिकवर्ड योर एपेटाइट, तो तुमको अब भूख भी लगती होगी। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, तो गांधी जी ने पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, कि तुम क्या खाना पसंद करोगे। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, कि तुम क्या खाना पसंद करोगे। आह, अरे, सम गुड उपमा और डोसा। सम गुड उपमा, कुछ अच्छा उपमा या डोसा,
तो गांधी जी ने उससे पूछा कि व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, कि तुम क्या खाना पसंद करोगे। तो गांधी जी ने भी फिर भी और आगे भी कह दिया, आह अरे सम गुड उपमा या डोसा, कि तुम कुछ अच्छा उपमा या डोसा लेना पसंद करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।